नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हाजी हनीफा जान के बारे में एक सवाल के जवाब में सेरिंग नामग्याल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि वो परिवार के सदस्य की तरह काम करेंगे और बाकी जनता पर छोड़ देंगे। नामग्याल ने कहा कि करगिल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। मेरा एक ही मकसद होगा, अगर ऊपर वाले की कृपा से और लोगों की कृपा से अगर मुझे एक मौका मिलता है संसद में जाने का, तो मेरा पहला जो मेरा एजेंडा होगा, जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, लद्दाख को बचाना। लद्दाख को ज़िंदा रखना, लद्दाख का वजूहत को ज़िंदा रखना, लद्दाख की आइडेंटिटी को ज़िंदा रखना। और लद्दाख में चाहे लेह का खत्ता हो, चाहे करगिल का खत्ता हो, चाहे हमारे बौद्ध मुसलमान क्रिश्चन जो भी भाई बहन हो, जो लद्दाख की कल्चर को, लद्दाख की संस्कृति को, इसको बचाना बहुत ज़रूरी होगा। और जो एक 4-point एजेंडे की जो बात की है एथिक्स और KDA की तरफ से, जो सबके सामने हैं, सरकार के सामने हैं, तो उसको आगे रखना, उसके लिए काम करना, ये सबसे पहला मेरा लक्ष्य होगा। आपके वर्कर जो कांग्रेस यूनिट की करगिल में है, उनको मनाने कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, माननीय हमारे करबला जी, रजा जी, हमारे DCC प्रेसिडेंट नासिर मुंशी जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हमारे वर्कर्स हैं, सोच समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपना जिम्मेवारी वो अच्छी तरह समझते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होगा सबको मिलजुल कर एक ही छत के नीचे, क्योंकि हम सारे कांग्रेस के परिवार के एक सदस्य हैं, उसको चलते कैसे हमें काम करना पड़ेगा, कैसे इस मैंडेट के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, अपना सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक सच्चाई हमारे सामने है कि करगिल कांग्रेस और करगिल NC निकाले कॉमन कैंडिडेट निकाला, हनीफा जान साहब मैदान में उतर चुके हैं, वो भी एक चीज़ हमारे सामने है। तो ये इतना आसान होने नहीं जा रहा है, ये काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए। मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग इस वक्त आज के एक चैलेंजिंग सिचुएशन में, जहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, UT को खड़ा करना है, लोग थोड़ा नाराज हैं यहाँ पर UT को लेकर, जितने भी यहाँ पर एक अरेंजमेंट्स होना चाहिए था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि करगिल की जनता, खासकर हमारे करगिल के कांग्रेस के लोग, बड़े छोटे भाई बहन सारे सोच समझ कर इस बार कांग्रेस के हाथ पर, शायद मुझे लगता है, दुआ है कि वो इस पर गंभीरता से सोच के अपना हिमायत हमें देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है।